बंगाल और ओडिशा में गंभीर चक्रवाती तूफान दाना की दहशत दिखाई दी। तूफान के 25 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने भी 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और दक्षिण पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। NDRF की मौजूदा टीमों को पहले से ही उन जिलों के लिए रवाना कर दिया गया है जिनके चक्रवात दाना से प्रभावित होने की आशंका है। ODRF की 17 टीमों को भी चक्रवाती तूफान की आशंका वाले 10 जिलों में तैनात किया जाएगा। 3 अन्य ODRAF टीमों को तैयार रखा गया है। पश्चिम बंगाल में NDRF ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभी तक 13 टीमें तैनात कर ली हैं। गंभीर चक्रवाती तूफान के 25 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र से गुजरने वाली 150 से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, कामाख्या यशवंतपुर AC एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा भुवनेश्वर शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर दक्षिण पूर्व क्षेत्र से गुजरने वाली और भी ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 800 चक्रवात आश्रय केंद्र तैयार कर रखे हैं, जिसमें संवेदनशील इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा जाएगा। स्कूल कॉलेजों में 500 अतिरिक्त अस्थायी आश्रय शिविर भी बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अब तक 250 चक्रवात आश्रय केंद्रों का दौरा किया, जहां निकासी के बाद लोगों को रखा जाएगा। चक्रवाती तूफान के कारण विभिन्न इलाकों से निकाले गए लोगों के लिए भोजन, पानी, दवा, बिजली और अन्य आवश्यक चीजों का बंदोबस्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार चक्रवात दाना के प्रकोप से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा 7 जिलों में एहतियातन तौर पर सभी स्कूल को 23 से 26 अक्टूबर तक छुट्टी कर दी गई है। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। स्कूल कॉलेजों का कभी कभी लोगों के लिए आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तटीय जिलों के प्रशासन को वहां के निचले इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।